press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मैं एमआर तवर एएमएस एकेडमी की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज जो मैथमेटिक्स का अपना टॉपिक है, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। 11th क्लास का ये पोर्शन है जनरली, बट ये एयरफोर्स नेवी और एनडीए में भी इसका काफ़ी एडवांस रोल है। एडवांस के एग्जाम में भी, जो जी एडवांस है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट आज क्लियर करेंगे आज के पार्ट में अपन, और फिर उसके बाद में इसके जो आगे के जो पार्ट्स हैं वो भी अपन लेते चलेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पहले जो पिछले सालों में आ चुके हैं सीबीएसई में, आरबीएससी में, दूसरे क्वेश्चंस में, उनको भी अपन इन्वॉल्व करेंगे, और इसके साथ ही जो अपने कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एमसीक्यूज, उनको भी मैं शामिल करूंगा। तो स्टूडेंट, मेरे साथ आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और आप इस टॉपिक को कंटिन्यू आप इस पर स्टडी करिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेट्स वी स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करते हैं, जनरली अपन जो सारे नंबर्स अपने पास, जैसे नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और आगे इनफाइनाइट तक चलता रहता है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपना वूल नंबर आता है, वूल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में अपने पास में जो रैशनल नंबर्स है जो PYQ फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू इज डज नॉट इक्वल 0, इसके बाद में इरेशनल नंबर्स है, दीज नंबर्स आर नॉट फॉर्म इन P/Q, वेयर क्यू इज डज नॉट इक्वल 0, फिर रियल नंबर जो सबसे बड़ा सेट आता है जो रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। ये नंबर सिस्टम जो है वो मैंने इसका वीडियो पहले ही बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो जरूर देखिए जिन्होंने नहीं देखा है। और आज अपन जो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए स्टूडेंट, वो होते हैं जो आपके पास में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनते हैं। यानी आपके पास में एक रियल नंबर होगा और साथ में रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो अपने पास में जो जितने भी आपके पास में रैशनल और इरेशनल है उन सबका कॉम्बिनेशन जो है वो आपका रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर जिसको अपन आयटा से शो करते हैं, और आयलर ने इसको -√1 कहा है, रूट में -1 जब आ जाता है इसको अपन आयोटा कहते हैं, आयोटा। अब ये आया कहां से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये इमेजिनरी नंबर है। सबसे पहले आयलर ने एक इक्वेशन लिखी, x² + 1 = 0, x² + 1 = 0 है, इट मीन्स x² = -1। अब आप ये देखिए स्टूडेंट, जनरली जब अपन कोई भी रियल नंबर जिसका अपन स्क्वायर करते हैं, कोई भी रियल नंबर जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर देगा, यानी अगर नेगेटिव भी है तो वो आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर मिलता है। बट इन केस यहां आप देखेंगे कि जब आपने एक रियल नंबर का स्क्वायर किया, बट आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव नंबर मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो इट मीन्स x = √√2 से लिखेंगे √-1। तो यहां पर देखिए, जब कोई अपन सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट, कि जब भी आप कोई रियल नंबर है उसका जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, पर यहां पर आप इस केस में आप देखेंगे नेगेटिव नंबर मिल रहा है। तो यहां x = √i है, √-1 है, जिसको आयटा कहा आयलर ने, ये आपका आयटा है जिसको आपको याद रखना है, यानी आयटा की वैल्यू जो आपके पास में है वो -√-1 है, इसको याद रखना है, √-1 जो वैल्यू है वो आयटा की वैल्यू है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ओके स्टूडेंट, अब जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करने से पहले अपन आयटा को स्टडी करते हैं थोड़ा सा। देखिए आयटा की जो वैल्यू है मेरे पास में, यहां देखिए आयटा की जो वैल्यू है वो है अपने पास में √-1। अब जब मैं आयटा का स्क्वायर कर देता हूं, यहां पर देखेंगे आयटा का जब मैं स्क्वायर लेता हूं यहां पर, तो मेरे पास आएगा -1, आयटा स्क्वायर मींस -1, आयटा की पावर 3 अपन लेते हैं, कंसिडर करते हैं, तो ये आपकी बन जाएगी आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर मींस -1 इंटू आयटा, इट मींस इट बिकम -आयटा, ये आपका -आयटा में कन्वर्ट होगा। आयटा टू पावर 4 जब अपन स्टडी करते हैं तो आपके पास में आयटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा आपके पास में, यानी आयटा की पावर 4 करने पर, यानी 4 बार जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास में पॉजिटिव नंबर आ रहा है। इसके बाद में देखिए आयटा टू पावर 5 कंसिडर करते हैं अपन, तो यहां आ जाएगा आपके पास में आयटा टू 4 इंटू आयटा, तो आयटा टू 4 मीन्स 1 और आयटा एज इट इज। सिमिलरली व्हेन वी राइट हियर आयटा टू पावर 6, इट मीन्स आयटा टू पावर 4 इंटू आयटा स्क्वायर, इट मीन्स -1 अगेन, आयटा टू पावर 7, इट मीन्स आयटा टू पावर 4 इंटू आयटा टू पावर 3, इट मीन्स इट -आयटा। यहां आप स्टूडेंट देखिए, फिर आयटा टू पावर अपन 8 ले लेते हैं, तो ये आयटा टू पावर 4 टू होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो वापस 1 आ जाएगा।
यहां देखिए समझने वाली बात क्या है कि जब आप यहां पर पावर आपकी इवन पावर चल रही है, जब पावर आपकी इवन पावर चल रही है, स्क्वायर पावर है, 4 to power पावर है, 6 power है, 8 power है, 10 power है, इस तरह से आपके पास में जो पावर अगर पॉजिटिव फॉर्म में चल रही है, पावर इवन पावर है आपकी, तो यहां पर जो रिजल्ट मिल रहा है आपको वो मिल रहा है -1 और +1 दोनों ही केस में आपके पास में +1 और -1 मिल रहा है। बट यहां आप देखिए जब पावर आपके पास में ओड है, जब पावर यहां इवन पावर है आपके पास में और यहां ओड पावर जब आपके पास में है, तो आपको हर बार आपके पास में आयटा की फॉर्म में रिजल्ट मिल रहा है, यानी माइनस आयटा प्लस आयटा। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आयटा की पावर आपके पास में इवन चल रही है, चाहे वो कितनी पावर हो, इसमें आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मैं आपको करवाऊंगा। देखिए अगर आपके पास में इवन पावर है तब रिजल्ट जो मिलेगा आपके पास में वो वन फॉर्म में मिलेगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव +-1 मिलेगा। यानी आयटा टू पावर अगर आपके पास में इवन है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं सिंपली कि अगर आपके पास में इवन पावर है तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो +-1 मिलेगा, ध्यान रखना। और आयटा की पावर अगर ओड आ जाए आपके पास में तो आपके पास में +-आयटा मिलेगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है कि आयटा की पावर अगर इवन है तो +-1 और आयटा की पावर ओड है तो +-आयटा आपको मिलने वाला है। देखिए स्टूडेंट, यहां से एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि आयटा टू पावर 25 फाइंड आउट करिए, तो आयटा टू पावर 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं आयटा टू पावर 24 इंटू आयटा। अब आयटा टू पावर 24 जो है वो 4 का मल्टीपल है, यहां 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल जब भी मिलेगा तो उसकी वैल्यू आपको 1 मिलने वाली है। यानी मैं इसको आयटा टू पावर 4 to power 6 लिख लूं और इंटू आयटा, और आयटा टू पावर 4 मीन्स 1 इंटू आयटा, इट मीन्स रिजल्ट आपको मिल जाएगा आयटा। आई होप आपको समझ आया होगा, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे मेरे पास में आयटा टू पावर यहां पर आ जाए, अगर आपके पास में आयटा टू पावर 100 है तो आयटा टू पावर 100 जो है आपके पास में वो भी 4 का मल्टीपल है, तो यहां पर इसका रिजल्ट मिलेगा 1। आई होप आपको समझ आया होगा। ये आयटा जो स्टूडेंट है इसको ध्यान रखना है, इमेजिनरी नंबर है। एक बार फिर से मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं, आयटा मींस -√1, ओके। और ये इस इक्वेशन से फाइंड आउट हुआ है x²+1=0, और आयटा की जो वैल्यू है आपके पास में वो आपको याद रखनी है, यहां से आपके पास में इमेजिनरी नंबर है √-1। अब आयटा की पावर अगर आपके पास में ओड है तो रिजल्ट आयटा में मिलेगा +-आयटा, और अगर आपके पास में इवन पावर है तो +-1 मिलेगा। आई होप आप इजीली, आप कितनी भी पावर आपको दे दें, आयटा की आपके पास में कितनी भी पावर दे दें, जैसे यहां पर मैंने 25 ली थी, 100 दी थी, तो आप इजीली उसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार आप इसको क्विकली रिविजन कर लीजिए स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। यस फ्रेंड्स, आयटा मीन्स √-1, ये कंसेप्ट अपने को क्लियर हो गया है। एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, आयटा टू पावर अगर इवन है तो इट ऑलवेज +-1, और आयटा टू पावर ओड है मेरे पास में, इट मीन्स +-आयटा। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए आयटा टू पावर 4k, यानी आपके पास में अगर 4k मल्टीपल में अगर पावर आ रही है, इट मीन्स इट ऑलवेज 1। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखनी है अपने को कि आयटा टू पावर 4k इट मीन्स 1, इट ऑलवेज 1, ओके। आयटा टू पावर 4k प्लस 1 अगर आपके पास आ जाता है, इट मीन्स इट बिकम आयटा टू पावर 4k इंटू आयटा इज इक्वल टू आयटा, ओके। आयटा टू पावर 4k प्लस 2 इट मीन्स आयटा स्क्वायर, इट मीन्स -1। आयटा टू पावर 4k प्लस 3 इट मीन्स आयटा क्यूब एंड इट बिकम -आयटा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहां देखिए स्टूडेंट, समझने वाली बात यह है कि आयटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो इट ऑलवेज इज इक्वल टू 1। आयटा टू पावर 4 1 होता है, और आयटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल भी आ रही है, इवन पावर है, 4 का मल्टीपल है, तो इट मीन्स इट ऑलवेज रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। एक बार इसको आप क्विकली रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके यस स्टूडेंट, देखिए अब मेरे पास में अगर एक नंबर है जैसे √a और √b, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में आता है √ab, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही केस जब अपन एक इमेजिनरी नंबर के लिए स्टडी करते हैं, एक इमेजिनरी नंबर के लिए आप स्टडी करते हो, इट मींस यानी अगर आपके पास में इस तरह से है -1 है और आयटा -1 है, तो आप इसको -1 × -1 = +1 = 1 ये नहीं लिख सकते आप इसको, ये एक कॉन्ट्रेडिक्शन पैराडॉक्स हो जाएगा इसका। यानी अगर आयटा मेरे पास में, इट मींस ये आपके पास में रिजल्ट जो है वो आयटा है,
और ये इंटू आइटा है, आइटा इंटू आइटा मीन्स आइटा स्क्वायर होता है और आइटा स्क्वायर मीन्स माइनस वन होता है। तो यहाँ पर और यहाँ देखिए दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो ये इसका पैराडॉक्स है। ये इमेजनरी नंबर को अपन इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, जो मामूली सा डिफरेंस है इसको आपको याद रखना है। ये स्टूडेंट्स देखिए, आइटा अगर आपके पास में अंडर रूट माइनस ए है और इन टू अंडर रूट माइनस बी है, इट मीन्स इट बिकम आइटा रूट ए आइटा रूट बी, ये बनेगा आपके पास में, इसको आप ऐसे लिखेंगे। और आइटा स्क्वायर रूट ए बी आप इसको लिख सकते हैं, इट मीन्स माइनस रूट ए बी, ये आपके पास में रिजल्ट है, वो एकदम राइट रिजल्ट होगा। इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए नोट। दूसरी एक बात और यहाँ देखिए समझने वाली जो बात है कि आइटा टू पावर, अगर चार पावर अगर आइटा की आ रही है और कॉन्टिन्यूसली आपके पास में फोर पावर के कंसेप्ट में है, तो उसका जो सम है वो हमेशा जीरो होता है। देखिए इसको समझिए, जैसे आइटा टू पावर एन है आपके पास में और आइटा टू पावर एन माइनस टू है, तो इसका रिजल्ट हमेशा जीरो होगा। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आइटा टू पावर एन प्लस आइटा टू पावर एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस पर एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे आइटा टू पावर सिक्स है और आइटा टू पावर फोर है मेरे पास में, आइटा टू पावर सिक्स प्लस आइटा टू पावर फोर। देखिए इसमें से आइटा टू पावर फोर में कॉमन ले सकता हूं, तो यहां आ जाएगा मेरे पास में आइटा स्क्वायर प्लस वन, इट मीन्स आइटा टू पावर फोर, ये माइनस वन है ये प्लस वन है, माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स होल जीरो। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, ये जो आपके पास में इक्वेशन है इसको याद रखना है आपको, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, डायरेक्ट एमसीक्यू बन जाता है स्टूडेंट इस पे, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइटा टू पावर एन प्लस आइटा टू पावर एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इट ऑलवेज जीरो, आइटा टू पावर एन प्लस आइटा टू पावर एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इस पे थोड़ा सा और अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे आइटा टू पावर एट प्लस आइटा टू पावर सिक्स हो गया, तो वो भी जीरो आएगा आपके पास में। या आइटा टू पावर यहां पर आपके पास में आइटा टू पावर 12 ले ली मैंने प्लस आइटा टू पावर 10 है, इट ऑलवेज जीरो। यानी इट मींस अगर इस फॉर्म में आपके पास में है आइटा टू पावर n प्लस आइटा टू पावर n माइनस टू, इट ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां तक आप लिख लीजिए, ये आइटा का आपका कंप्लीट हो गया है टॉपिक। इस पे से जो क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। इस पे एक कॉन्सेप्ट हो रहा है वो देख लें, साथ में इक्वेशन नंबर थ्री और मैं ऐड कर देता हूं कि अगर आपके पास में वन अपॉन आइटा है, ये और देखिए स्टूडेंट, वन अपॉन आइटा है, तो इसको आप आइटा से और आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो यहां आपके पास में बन जाता है आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर और आइटा अपॉन माइनस वन, इट मीन माइनस आइटा आता है। यानी वन अपॉन आइटा जो है इसका रिजल्ट माइनस आइटा आएगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी में आपको एक दो और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आइटा स्क्वायर वन अपॉन आइटा स्क्वायर है, इट मीन यू कैन मल्टीप्लाई विद आइटा स्क्वायर एंड डिवाइड विद आइटा स्क्वायर, इट मीन्स वी विल गेट आइटा स्क्वायर अपॉन आइटा टू पावर फोर, आइटा टू पावर फोर बिकम वन, वी ऑल नो दैट, इट मीन्स वी हैव आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। ये आपको याद रखना है, अगर इनवर्स फॉर्म में भी आ रहा है, यानी यहाँ पर अगर आइटा इनवर्स है इट मीन्स माइनस आइटा बन जाएगा, और आइटा टू पावर माइनस टू अगर आपके पास में वन अपॉन आइटा स्क्वायर, इट मीन्स माइनस टू आइटा इज इक्वल टू वन माइनस वन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। ओके, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस स्टूडेंट्स, अब अपन आते हैं इमेजनरी नंबर जो है अपने पास में, वो कंसेप्ट क्लियर हो गया, आइटा जो है वो अपना इमेजनरी नंबर है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट बिकम विद द टू रियल नंबर एंड ए इमेजनरी नंबर, इट मीन्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपके पास में है ये आपके पास में बनेगा, इसको अपन जनरली जेड से शो करते हैं, ये आप याद रखिएगा, जेड से इसको शो करेंगे और ये ए प्लस आइटा बी इसको लिखा हुआ मिलेगा आपके पास में। यहां ए और बी जो आपके पास में है, ए एंड बी जो है वो रियल नंबर है, ए और बी जो आपके पास में है वो रियल नंबर है, और आइटा आपके पास में एक इमेजिनरी नंबर है जो आपके पास में अंडर रूट माइनस वन आएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह आपको x प्लस आइटा वाई भी मिल जाएगा, वो एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, a प्लस आइटा बी या फिर x प्लस आइटा वाई। यहां ए बी या जो आपके पास में एक्स वाई है वो रियल नंबर है और आइटा आपका इमेजिनरी नंबर है। स्टूडेंट इस पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे अपन, कुछ बेसिक स्टडीज देखेंगे अपन। देखिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ पहले मैं इसका, जैसे आपके पास में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, जैसे 2 प्लस 3 आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है आपके पास में, या 3
प्लस फोर आइटा, या फिर आपके पास में थ्री माइनस फोर आइटा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं फोर माइनस आइटा, या फिर ओनली आइटा भी अगर आपके पास में है तो आप इसको जीरो प्लस आइटा भी लिख सकते हैं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, या फिर आपके पास में जीरो माइनस आइटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सारे के सारे आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ए प्लस आइटा बी फॉर्म में लिखा जाएगा हमेशा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, या एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिखा जाएगा, एक ही बात है। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ एक्स वाई ये ए बी जो आप ले रहे हैं वो एक रियल नंबर है यहाँ पर, और आइटा आपके पास में एक इमेजिनरी नंबर है। ओके, अब यहाँ आप समझिए थोड़ा सा, शॉर्ट में मैं इसको लिखूंगा, जैसे ये आपके पास में जेड आपके पास में है ए प्लस आइटा भी, तो यहां जो पहले ए है आपका वो रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं इसको, इसको आर ई जेड से शो करेंगे। आर ई जेड मींस इज इक्वल टू ए, ये आपका रियल पार्ट ऑफ जेड है, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो होगा आपके पास में वो आर ई जेड इज इक्वल टू ए है, जिसके साथ में कोई आपके पास में आयोटा एम्प्लाई अप्लाई नहीं हुआ है। और जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास में इसको अपन लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको आई एम शॉर्ट में लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो आपके पास में है आइटा बी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इमेजिनरी जो रियल नंबर है आपके पास में वो ए है, ओनली रियल पार्ट ऑफ जेड, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है वो आइटा बी है। आई होप आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अपन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते चलते हैं, क्विक रिविजन कर रहा हूं मैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है स्टूडेंट तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे, नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपका जो डाउट है वो जरूर इंक्लूड करूंगा मैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए यहां प्रॉपर्टीज में देखें, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर मेरे पास में सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिशन की प्रॉपर्टी देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले अपन एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सबसे पहले अलग अलग प्रॉपर्टीज है, एडिशन भी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे, और डिवाइड वाली भी पढ़ेंगे, दोनों सारी पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अपन यहां प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर अपने पास में दो नंबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उनका अपन एडिशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, और करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, ये अपन स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले जैसे मैं लेट वी अज्यूम कर लेते हैं अपने पास में एक जेड मेरे पास में है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास में है यहां पर ए वन प्लस, यहां ए प्लस आइटा बी ले लेता हूं मैं, और ए टू एक आपके पास में सी प्लस आइटा डी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अज्यूम कर लिए हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास में है ए प्लस आइटा बी, और यहां पर आपके पास में सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सी प्लस आइटा डी है। तो इसमें एडिशन देखते हैं सबसे पहले, यहां पर अगर जेड वन प्लस जेड टू अपन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए ए प्लस आइटा बी प्लस सी प्लस आइटा डी, ए प्लस आइटा बी प्लस सी प्लस आइटा डी, ये दोनों ही अपन देखेंगे, और यहां से देखिए रिजल्ट क्या आता है मेरे पास में, जो रियल पार्ट है उनको रियल पार्ट के साथ ऐड कर दीजिए, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करिए, तो ए प्लस सी लिख सकते हैं आप यहां पर, और प्लस आइटा इसमें से कॉमन ले लीजिए तो बी प्लस आइटा डी हो गया। ये आपके पास में एक जेड वन प्लस जेड टू जब आप लेते हैं यहां पर दोनों का, तो ये आपके पास में एक रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू आ गया, और ये आपका आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू। तो यहां देखिए क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है, संवर्तता का गुणधर्म जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी अपन कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई हो रही है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका आप एड करते हो तो रिजल्ट भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ओके, ये आपका रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू है, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस स्टूडेंट, इसी में अपन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अपनी ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है यहां पर अपने पास में, और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के बाद में नेक्स्ट अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर चलते हैं कि अगर मेरे पास में z1 + z2 है तो आपका z2 + z1 के इक्वल होगा, z1 + z2 is equal to z2 + z1 को सेटिस्फाई करेगा, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमेयता का गुणधर्म जिसको कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ भी इसको बोल देते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपके पास में Z1 plus Z2 is a, अगर अपन लेते हैं जैसे ये अपन ने अभी फाइंड आउट करा है Z1 plus Z2, तो यार रियल पार्ट ऑफ Z plus इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z A plus C और आइटा B plus D, तो बिल्कुल इसी तरह से आपके पास में Z2 plus Z1 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो अगली प्रॉपर्टी अपने पास में एसोसिएटिव लॉ, यानी Z1 plus Z2 plus Z3, यानी अगर आपके पास में अब थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, वी हैव अ थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3। ओके स्टूडेंट, तो जब आप इसको
इस फॉर्म में ऐड करते हैं Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3, तो ये आपका होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो आपका है इसको भी ये फुलफिल करेगा, एसोसिएटिव लॉ को भी ये प्रूव करेगा जो आपकी एडिशन की प्रॉपर्टी है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए यहां पर जो अपने पास आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? देखिए स्टूडेंट, अगर मेरे पास में एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ऐड कर दूं इसमें कि वापस मुझे जेड मिल जाए। देखो आइडेंटिटी जो है वो एक मिरर की तरह काम करती है स्टूडेंट। जब भी आपके सामने कोई एलिमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट जब मिरर में आता है, मिरर के सामने आता है, तो उसका एज इट इज इमेज बनती है। तो वैसे ही यहां पर आइडेंटिटी जो है वो एक मिरर की तरह काम करती है कि जेड में मैं ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ऐड करूं तो जिससे मेरे पास में वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो होती है। इसको याद रखना है कि जीरो जब आप किसी भी नंबर में ऐड करते हो तो वापस वही नंबर आ जाता है, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होती। यानी जीरो जब आप ऐड कर लेते हो, यहां जीरो का मतलब जो आपके पास में है वो जीरो प्लस जीरो आइटा है, ये ध्यान रखना है। जीरो भी यहां एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया है जो यहां पर जीरो प्लस जीरो आइटा की फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास में जेड मिल जाएगा। और अगर आप जीरो में अगर आप जेड ऐड करोगे तो भी आपको यहां पर जेड ही मिलेगा। आई होप यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास में जो प्रॉपर्टी आती है उसको बोलते हैं अपन एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए जेड में मैं ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है आपकी? जीरो है, डेफिनेटली जीरो है। तो ऐसा मैं कौन सा नंबर इसमें ऐड करूं, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें अपन कि यहां पर अपने को एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी इट मींस जीरो मिल जाए अपने को। तो देखिए स्टूडेंट, यहां मैं इसमें माइनस जेड ऐड कर सकता हूं। माइनस जेड में ऐड कर लेता हूं तो मुझे जीरो मिल जाएगा, या फिर मैं माइनस जेड में अगर जेड ऐड कर दूं तब भी मुझे जीरो मिल जाएगा। आई होप यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो आती है अपने पास में जिसको अपन कैंसिलेशन ला कहते हैं, तो वो आपके पास में जैसे जेड वन प्लस जेड टू है अगर इस साइड में, और आपके पास में जेड वन प्लस जेड थ्री है, तो जेड वन और जेड वन कैंसिल आउट हो जाएंगे और जेड टू इज इक्वल टू जेड थ्री आ जाएगा। इसे अपन कैंसिलेशन ला कहते हैं। तो ये आपकी एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हो गई है। एक बार क्विकली मैं रिवाइज कर देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहां एडिशन के लिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि अपने पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से होता है? जेड से इसको शो करते हैं, ए प्लस आइटा बी या एक्स प्लस आइटा वाई ले लेते हैं। यहां ए और बी जो है वो रियल नंबर है, ए जो आपका पूरा है वो रियल पार्ट ऑफ जेड है, और आपके पास में जो आइटा बी है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां ज़ूम कर लिए हैं। एक मेरे पास में जेड वन है जो ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में है, और एक जेड टू है जो सी प्लस आइटा डी की फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट, देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। देखिए जैसे यहां पर जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी प्लस सी प्लस आइटा डी को आपने ऐड किया, तो आपके जो यहां पर रियल पार्ट है उनको आपने अलग ले लिया, उनको सेपरेट कर लिया है, तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू बन गया, और ये आइटा आपने इन दोनों में से कॉमन लेकर के आइटा बाहर लिखा है, और बी प्लस आइटा डी ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू बन गया है। आई होप यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ है कि आपके पास में जेड वन में आप जेड टू ऐड करते हैं या जेड टू में जेड वन ऐड करते हैं, दोनों का रिजल्ट एक ही रहना चाहिए। यानी आप जेड वन में जेड टू ऐड करिए या जेड टू में जेड वन ऐड करिए, दोनों का रिजल्ट जो है वो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस रहना चाहिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फुलफिल होगा यहां। फिर उसके बाद में एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि जेड वन आपके पास में है और उन दोनों में जेड टू प्लस जेड थ्री का आप ऐड करिए, और जेड वन प्लस जेड टू में आप जेड थ्री ऐड कर देते हैं, तो आपके पास में एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल होंगे। यहां पर एडिशन जो है आपके पास में प्रॉपर्टी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एसोसिएटिव लॉ को भी फुलफिल करेगी, याद रखना है। फिर उसके बाद में देखिए आगे आपके पास में एडिटिव आइडेंटिटी। मैंने फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि आइडेंटिटी एक मिरर की तरह काम करती है। जब भी आप ऑब्जेक्ट को उसके सामने रखते हैं तो उसमें उस मिरर में उसकी इमेज आपको दिखनी चाहिए। तो यहां देखिए जेड में आप ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि
मुझे वापस जेड ही मिल जाए। तो उसके लिए सबसे आपको इजीली याद रखना है स्टूडेंट कि एडिटिव आइडेंटिटी है वो हमेशा जीरो होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होती है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप इजीली याद रख सकते हैं। तो यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में आती है अपने पास में एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब यह है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, उसमें आप ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, इट मींस जीरो मिल जाए। ओके, तो आप जेड में माइनस जेड आप ऐड करेंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा, और यहां माइनस जेड में आप जेड ऐड करेंगे तो भी आपको जीरो मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट आती है आपके पास में कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ का मतलब यह है कि एलएचएस और आरएचएस में आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों में इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो वो बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपके पास बच जाएगा एलएचएस और आरएचएस साइड दोनों में। आई होप यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली स्टूडेंट, बहुत इजी कांसेप्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा उसमें मैं मल्टीप्लीकेशन और जो आगे की जो आपके पास में है पोलर फॉर्म है और कॉन्जुगेट है, मॉडुलस है, उन सब टॉपिक्स को अपन लेके चलेंगे। बहुत इजी है, एमसीक्यू भी मैं करवाने वाला हूं बिल्कुल स्टूडेंट, मैं एमसीक्यू भी करवाऊंगा आपको, ताकि जो आपके कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनको भी मैं लूंगा, पिछले 4-5 सालों में जो आए हुए हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे अपन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।